दोस्तों हर साल हजारों लाखों की तादाद में स्टूडेंट्स करना चाहते हैं फार्मेसी कोर्स। फार्मेसी कोर्स में डी फार्मेसी है, बी फार्मेसी है, एम फार्मेसी है, फार्म डी भी कोर्स एक आता है, पर मैं आपको बताऊं ज्यादातर स्टूडेंट्स जो कोर्स करना चाहते हैं वो है डी फार्मेसी। डी फार्मेसी के स्कोप काफी है, बहुत एक छोटा मतलब 2 साल का ही कोर्स है। 2 साल का कोर्स करते ही रोजगार मिल जाता है किसी भी स्टूडेंट को, वो अपनी शॉप खोल सकता है, इवन कहीं पे जॉब कर सकता है, बहुत सारे ऑप्शंस उसके पास खुल जाते हैं। फीस भी कम होती है, पर एग्जिट टेस्ट इसमें देना पड़ता है। डी फार्मेसी जब आप करते हो, जब आप एडमिशन लेते हो डी फार्मेसी में, क्योंकि अभी अभी आप 12th पास करके आए हो तो अभी आपको ज्यादा कुछ ज्ञान या ज्यादा कुछ नॉलेज होती नहीं है, इसीलिए बहुत तरह की आप गलती भी कर लेते हो। अनजाने में की गई जो आपकी गलतियां हैं वो कई बार 2 साल के कोर्स को काफी लंबा बढ़ा देती हैं, और साथ में ही कई बार ऐसा भी देखा गया है जो फी तय होती है उस फीस से भी कई ज्यादा फीस आपको देनी पड़ जाती है, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको ज्यादा नॉलेज होती नहीं और सामने वाला ठगने की आपको कोशिश करता है। तो ऐसी 3 गलतियां जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है और 3 सावधानियां जो आपको बरतनी चाहिए अगर आप डी फार्मेसी में एडमिशन ले रहे हैं, आपको पता होनी चाहिए ये 3 बातें। उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे अपने इस वीडियो के माध्यम से कि 2024 में अगर आप डी फार्मेसी में एडमिशन ले रहे हैं तो क्या आप गलतियां ना करें। ज्यादा कुछ जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है यूनिवर्सिटी इंडिया और मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। दोस्तों होता क्या है कि डी फार्मेसी करने के लिए हर साल लाखों स्टूडेंट्स तो आते हैं, वो एडमिशन लेना भी चाहते हैं, सीट्स भी काफी है, मैं ये नहीं कहूंगा सीट्स बहुत कम है, सीट्स काफी है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में बहुत सारी सीट्स हैं, साथ में गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में बहुत सारी सीट्स हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के जो कॉलेजेस हैं या फिर हम कहें बोर्ड्स के थ्रू जो कॉलेज चलते हैं उनमें सीट्स बहुत सारी हैं, तो आपका एडमिशन कहीं ना कहीं तो हो ही जाएगा। पर इसमें आपको 3 सावधानियां बरतनी चाहिए। सबसे पहली सावधानी दोस्तों बताना चाहूंगा वो है PCI, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। दोस्तों आप अगर कोई भी कोर्स करना चाहते हैं मतलब फार्मेसी से रिलेटेड इंडिया में कोई भी कोर्स अगर चलेगा तो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का अप्रूवल लेना अनिवार्य है। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया क्या है उस पर डिटेल्ड वीडियो इसी चैनल पर अवेलेबल है, आप उस वीडियो को देख लेना। बी फार्मेसी, डी फार्मेसी, एम फार्मेसी, फार्मा डी पर बहुत सारी वीडियोस इस चैनल पर अवेलेबल है। अगर आप पहली बार आए हैं तो बाकी वीडियोस को देखेंगे, बहुत सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। डी फार्मेसी करने से पहले जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन लेने की सोच रहे हैं या जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं पहले उसका PCI का अप्रूवल चेक करें। PCI का कई बार अप्रूवल नहीं होता और ये जो कॉलेज है या इन यूनिवर्सिटीज ने कोर्ट में केस डाला होता है या फिर इनका अप्रूवल पेंडिंग होता है, पर ये आपको बोलते हैं कि आप एडमिशन ले लो क्योंकि ये सोचते हैं कि 2-4-5 महीने के बाद हमारा अप्रूवल आ ही जाएगा। पर गलती से अगर अप्रूवल नहीं आया तो फिर क्या होगा आपका? फिर ये होगा कि आपका पूरा साल खराब हो जाएगा या फिर ये यहां वहां आपको शिफ्ट करेंगे। तो बेटर है कि सबसे पहले PCI का अप्रूवल अच्छे से आप चेक कर लें। PCI का अप्रूवल अगर यूनिवर्सिटी के पास है, PCI का अप्रूवल अगर कॉलेज के पास है तो ही बी फार्मेसी या फिर डी फार्मेसी में एडमिशन लें, वरना एडमिशन ना लें आपके साथ प्रॉब्लम हो सकती है, आपके साथ धोखा हो सकता है। दोस्तों आप किसी भी यूनिवर्सिटी के कोई भी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाना चाहते हैं, वेरिफिकेशन के काफी सारे प्रोसेस होते हैं, पर जैसा मैं हमेशा अपनी वीडियोस के माध्यम से बोलता हूं कि RTI एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। गवर्नमेंट प्रोसेस के थ्रू आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाते हैं, फिर भी आप चाहे तो सीधा यूनिवर्सिटी से ही वेरीफाई करवा सकते हैं। यूनिवर्सिटीज अपनी वेबसाइट पर डिटेल डाल के रखती हैं या फिर RTI लगवाएं, इसमें हम आपकी मदद कर सकते हैं। और अगर कोई भी डॉक्यूमेंट किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने लिए हैं, अब फर्दर डॉक्यूमेंट्स आप निकालना चाहते हैं, माइग्रेशन डिग्री, LOR, ट्रांसक्रिप्ट कुछ भी निकालना चाहते हैं और आप यूनिवर्सिटी से बहुत दूर हैं, आप हेल्पिंग हैंड चाहते हैं, तो हो सकता है इसमें भी हम आपकी कोई मदद कर सकें, कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो आपके यूनिवर्सिटी में भी पेंडिंग है। और दोस्तों कोई भी आप मदद चाहते हैं वेस्ट प्रोसेस में या फिर डिग्री को वेरीफाई करवाने के लिए आप हमसे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं जो दूसरी गलती जो आप करते हैं अक्सर स्टूडेंट से अनजाने में, दूसरी गलती क्या होती है। अक्सर हमने देखा है कि जब भी कोई स्टूडेंट एडमिशन लेता है डी फार्मेसी में तो काफी सारे स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं नॉन अटेंडिंग मोड पर। नॉन अटेंडिंग मोड क्या होता है कि मतलब वो क्लासेस नहीं लगा रहे हैं, वो सिर्फ एग्जाम्स देने जा रहे हैं और एग्जाम्स देने जा रहे हैं इसीलिए उनको पूरी नॉलेज मिलती नहीं। कई बार बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें मेडिसिन की बहुत नॉलेज है या उन्हें घर परिवार में कोई भी मेडिकल स्टोर है तो नॉलेज तो उन्हें काफी है, बट थ्योरेटिकल नॉलेज उन्हें नहीं है। और जो एग्जिट टेस्ट में आएगा, आप एग्जाम्स तो पास कर लोगे, मतलब कि आपके 2 साल के एग्जाम्स होंगे वो भी ईयरली मोड पे होते हैं तो आप उन्हें तो पास कर लोगे, बट उन्हें पास करने के बाद में जब एग्जिट टेस्ट देने जाओगे वहां आप अटक जाओगे। तो बेहतर है कि आप साथ साथ या तो आप ट्यूशन लेकर क्लासेस लेते रहें या तो आप रेगुलर कॉलेज जाते रहें, क्लासेस लेते रहें, मतलब अल्टीमेटली आपको क्वालिफाई नहीं होना है, आपको एजुकेटेड होना है।
डोंट बी क्वालिफाइड, बी एजुकेटेड। मैं हमेशा बोलता हूँ आपको, एजुकेशन मतलब कि जो आप पढ़कर किताबें आएंगे उसी के आधार पर ही एग्जिट टेस्ट दे पाएंगे, वरना प्रॉब्लम हो सकती है। पर मैं ये नहीं बोलता कि कई बार मैंने देखा है ऐसा भी कि स्टूडेंट्स जितने आते हैं जिन्हें मेडिसिन की बहुत सारी नॉलेज है वो कई बार एग्जिट टेस्ट को सिर्फ अपनी नॉलेज के आधार पर ही क्लियर कर लेते हैं, वो किताबें पढ़ने की जरूरत उन्हें पड़ती नहीं। पर मैं आपको बता दूं, एग्जिट टेस्ट है डी फार्मेसी में, इसीलिए आपको क्लासेस अटेंड करनी चाहिए, वरना प्रॉब्लम हो सकती है आपके साथ, क्योंकि एग्जिट टेस्ट होगा, आप क्वालिफाई नहीं होंगे तो आपको लाइसेंस वैसे भी नहीं मिलेगा, तो आपको ये बात भी ध्यान रखनी चाहिए। अब हम बात करते हैं तीसरे मुद्दे की, तीसरी गलती जो आप करते हैं अक्सर। दोस्तों, जब भी आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, कई बार मैंने ऐसा देखा है, जैसे कि मान लीजिए कि एडमिशन्स जो जनरली शुरू होते हैं वो जून में शुरू होते हैं या मई में शुरू होते हैं, कई बार पहले से ही प्री सीट्स बुक की जाती हैं। प्री सीट्स बुक क्यों की जाती हैं, किसी भी मान लीजिए अच्छे कॉलेज में या अच्छी यूनिवर्सिटी में टोटली 60 सीट्स हैं या 120 सीट्स, मान लीजिए आप टोटल 60 सीट्स अगर हैं तो वहां पर आप एडमिशन लेना चाहते हो क्योंकि आप घर के आसपास पड़ता है या फीस कम है, तो ऐसे में प्री बुक में आप सीट बुक करते हैं। आपने मान लीजिए कहीं पर जाकर आपने 1 लाख दोनों साल की फीस बुक कर ली, आपने बोला कि 2 साल की मैं फीस सिर्फ 1 लाख ही दूंगा, पर ये जो कॉलेज हैं या फिर ये जो यूनिवर्सिटीज हैं कई बार जैसे ही एडमिशन क्लोज होते हैं फीस आपकी डबल ट्रिपल कर देते हैं या फीस बढ़ा देते हैं, तो ऐसे में आपको करना क्या है, फीस जो आप इनको दे रहे हैं फीस की रसीद लें और उस पर भी क्लियर कट लिखवा लें कि मेरी पर ईयर फीस कितनी है या फिर 2 साल की टोटल फीस कितनी होगी, या फिर एक ना एक लेटर बनता है किसी भी कॉलेज किसी भी यूनिवर्सिटी से जिसमें आपका एडमिशन लेटर होता है, फीस की डिटेल लिखी जाती है, अगर आप वो एडमिशन लेटर ले लेंगे ना तो मेरा मानना है बिल्कुल भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम आपके साथ होगी ही नहीं और फीस आपकी बढ़ेगी ही नहीं। इन चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए। कई बार बहुत सारे स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं कंसल्टेंट्स के थ्रू, तो कंसल्टेंट के थ्रू एडमिशन लेने में कोई परहेज नहीं है, कोई गलती नहीं है, बस आप करें क्या कि जो कंसल्टेंट है कंसल्टेंट को उसकी सिर्फ कंसल्टेंसी फीस दें, उसे आप पूरी फीस ना दें। पूरी फीस आप दे देंगे हो सकता है कॉलेज में वो जमा ना करे, जमा नहीं करेगा तो आपके टाइम से एग्जाम नहीं होंगे, ऐसे में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो फी का जो पार्ट है कंसल्टेंसी का पार्ट, अपने कंसल्टेंट को सिर्फ कंसल्टेंसी का पार्ट दे, पूरी फीस आप बिल्कुल ना दें, ऐसे में आपके साथ प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं जो कुछ मैंने आपको आज बताया डी फार्मेसी के बारे में, क्या गलती आपको नहीं करनी है, आपको समझ आया होगा। अच्छा लगा हो आज का वीडियो, हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों परिजन परिवार तक शेयर करें ताकि वो भी अपने आप को जानकार बना सके। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।